नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है आपका अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस। और ये आपके UGC नेट पेपर 1 के इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो पृथ्वी दिवस पे हम आज की वीडियो में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी दिवस का 15 ईयर आपका 2020 में पूरा हो गया, यानी कि आपका 2020 में जो आपका 22 अप्रैल था, ये जो पृथ्वी दिवस था ये 50वां पृथ्वी दिवस था, यानी कि 50 वर्ष का ये आपका पृथ्वी दिवस हो गया। तो देखिए, आपका हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाया जाता है। और इसका जो एम है, इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो है कि इन्वायरमेंट के प्रति यानी कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, यानी कि पर्यावरण के प्रति लोगों में जन जागरूकता लाना और पर्यावरण के संरक्षण के लिए लोगों को संवेदनशील बनाना, यानी कि जो हमारे लोग हैं पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को समझें, उसके बारे में जानें और उसको सोचने के बाद उस पर कुछ काम भी करें, जिससे कि आपका पर्यावरण जो है सुधरे, उसका बचाव हो सके। और पहला आपका पृथ्वी दिवस मनाया कब गया था वो याद रखिए, आपका 22 अप्रैल तो था ही, लेकिन वर्ष था 1970 को आपका फर्स्ट अर्थ डे आपका सेलिब्रेट किया गया था। और पृथ्वी दिवस के कारण जो कुछ अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए, तो ये आपका अर्थ डे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपके इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि इसी के कारण बहुत सारे कदम भी उठाए गए। लेकिन इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण कदम है उस पर डिस्कस करेंगे, और ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ऊपर जो आई बटन है वहाँ पे जाइएगा, क्लिक करिएगा, हम प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ पे टोटल क्या क्या चीज़ें, अर्थ से जुड़ी हुई चीज़ें, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें चलाई गई हैं, आपको सब वहाँ पे मिल जाएगा, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं आपके लिए बनाए गए। तो देखिए, इसी के कारण आपका अर्थ डे के कारण ही कुछ जो कदम उठाए गए उसमें आपका देखें तो 1987 एक वर्ष है जिसमें आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का यानी कि मसौदा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मसौदा लाया गया। और ये मात्र एक प्रोटोकॉल है जो आपके ओजोन क्षरण को रोकने के लिए लाया गया, क्योंकि आपका 1985 में ये पाया गया कि अकार्टिक के ऊपर ओजोन का जो लेयर है उसमें होल यानी कि छेद हो गया है, और वो होल निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी के लिए लाया गया कि जो ये आपका ओजोन का जो क्षरण हो रहा है उसको रोकना होगा। और इसके कौन से कारण थे, मुख्यतः वो CFC गैस था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस आदि, इसके अलावा और भी गैसें थी लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताया गया कि सबसे बड़ा कारण आपके ओजोन के क्षरण का है। फिर आपका 1996 में आपका पेट्रोल डीजल में लेड को क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया कि पेट्रोल डीजल में आपका लेड का इस्तेमाल हो रहा था उसको रोक दीजिए, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये एक हार्मफुल काम कर रहा है, यानी कि ये एक इन्वायरमेंट के लिए गलत जो है प्रभाव डाल रहा है,
जब आपका गाड़ियाँ चलेंगी तो इससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, इन्वायरमेंट हमारा निगेटिव रूप से। फिर आपका 1990 में एक कदम उठाया गया, ये आपका यानी कि पृथ्वी दिवस के ही कारण, जिसमें कहा गया कि हमारे जो एनिमल्स हैं उसमें जो आपका एलिफेंट है, हाथी के दांत जो थे, उसको व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिबंधित किया गया, बैंड कर दिया गया, यानी कि हाथी के दांतों का अवैध व्यापार, ये सब चीज़ें रोकी गई, चाहे वैध व्यापार हो चाहे अवैध हो, मतलब रोक दी गई, यानी कि व्यापार नहीं होंगे। और फिर आपका इसी के तहत आपका एक आपका क्योटो प्रोटोकॉल एक फेमस है, क्योटो प्रोटोकॉल यानी कि UNFCCC। अब UNFCCC क्या है इसको भी आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। यानी कि UNFCCC के तहत क्या आया, क्योटो प्रोटोकॉल आया, और ये आपका 1996 में आया, और 11 दिसंबर आपका 1997 में अपनाया गया, जिसका उद्देश्य था 2008 से, याद रखिए 2008 से 2008 से 2012 तक 5% तक आपका ग्रीन हाउस गैस यानी कि GHC ग्रीन हाउस गैस की कटौती करना। और इसी के तहत यानी पृथ्वी दिवस के ही तहत आपका 11 दिसंबर 2050 में पेरिस आपका क्लाइमेट जो है एग्रीमेंट यानी पेरिस जलवायु समझौता लाया गया, जिसका काम था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपके धरती के अर्थ का जो तापमान है उसको ना बढ़ने देना। तो ये आपके देखें तो अर्थ डे के ही कारण हमें क्या हुआ, हमको संवेदनशील बनाया गया, और इसके तहत बड़े बड़े कदम भी उठाए गए विश्व की संस्थाओं द्वारा। तो ये आपका हो गया कुछ चीज़ें अर्थ डे के रिलेटेड, और आगे भी हम देखते हैं कि लिखा हुआ सामग्रियाँ क्या है आपके लिए। तो देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 50 साल पूरे हो गए अर्थ डे के, तो थीम भी होती है एवरी ईयर, तो अब की बार जो थीम है वो क्या है आपका, क्लाइमेट एक्शन। देखिए कहा गया है कि हर साल 20 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसे पहली बार 1970 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना, यानी कि पर्यावरण के लिए लोग जब जागरूक होंगे तो पर्यावरण का कंजर्वेशन भी होगा। और इस साल पृथ्वी दिवस का थीम आपका क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन है यानी कि जलवायु पर कार्यवाही। तो ये हो गया आपका थीम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए कुछ हिस्ट्री की बातें, कहा गया अमेरिकी सीनेटर गिलोर्ड नेल्सन ने 1970 ईस्वी में पृथ्वी दिवस की स्थापना पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी, जिसके बाद से पृथ्वी दिवस मनाने की प्रथा शुरू हुई। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में इस दिन को ट्री डे के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में पृथ्वी दिवस को ट्री डे के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अमेरिका सीनेटर गिलोर्ड नेल्सन को फादर ऑफ अर्थ डे के नाम से जाना जाता है, ये तो जो गिलोर्ड नेल्सन है इनको फादर ऑफ अर्थ डे के नाम से जानते हैं। और यह दुनिया भर में सबसे बड़ा जन जागरूकता आंदोलन है, जिसमें एक साथ 192 कंट्रीज के अरबों की संख्या में जो पीपुल्स हैं हिस्सा लेते हैं और पृथ्वी के कंजर्वेशन का संकल्प लेते हैं। इस दिन नॉर्थ पोल में वसंत तो साउथ पोल में शरद का मौसम होता है। अब देखिए कहा जाता है यहाँ पे कि क्यों मनाया जाता है, तो चलिए थोड़ा डीप देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पृथ्वी और पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक करना है। आधुनिक काल में जिस तरह से मृदा अपरदन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और प्रदूषण फैल रहा है, इनसे पृथ्वी का ह्रास हो रहा है, ऐसी स्थिति
ऐसी स्थिति में पृथ्वी की गुणवत्ता, उर्वरकता और महत्ता को बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण और पृथ्वी को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। इन महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को पूरा करने हेतु हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये था आपका पृथ्वी दिवस से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तथ्य। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ डे का मूल उद्देश्य क्या था और हमारे लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम जैसे अगर जागरूक होते हैं तो हमें भी अपने आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए, उनको अत्याधुनिक चीज़ों के बारे में जानकारी के साथ साथ उनको प्राकृतिक चीज़ों के बारे में भी जानकारी देना आवश्यक है। अगर हम लोग इस पे मिल के चर्चा नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, संवेदनशील नहीं होंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज से जो भी परेशानियां आएंगी उससे हम लोग नहीं बच सकते हैं। आज तरह तरह की बीमारियां आपके नए नए चैलेंजेस निकल के आ रही हैं और हमारा पूरा का पूरा देखें तो वैज्ञानिक विभाग उसको रोकने में कभी कभी असक्षम महसूस करने लगता है। तो अगर हम पृथ्वी को ज़्यादा तौर पे नुकसान पहुँचाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और आज के समय में हम देखें तो बहुत सारा ऐसी डिजीज हैं, ऐसा आपका पैंडमिक है जिसमें कोरोना वायरस भी एक देखें तो पैंडमिक है। कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट के प्रति हम लोगों का असंवेदनशीलता का ही नतीजा है जो हम आज अपने घरों में कैद होके बैठे हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोगों के साथ हम इस वीडियो को डिस्कस इसीलिए किए क्योंकि आपका पर्यावरण डे था और आपका अर्थ डे था और अर्थ डे आपके पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके नेट के लिए। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया इस मुद्दे पे। तो आज की वीडियो में इतना ही और आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ।